अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। तो मेन्यू टैग को ओपन करते हैं, देखते हैं कल हमने कहाँ तक काम किया था। ये था हमारा वर्क, आज इससे आगे कंटिन्यू करना। तो ओपन कर लेता हूँ सब मैं टैक्स 3 को। दोबारा से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसी को ही हम मेनटेन करेंगे, इसी के अंदर चीज़ें कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेन्यू टैग को, CSS और HTML दोनों को ही अपने CSS ये सब सबलाइन टेक्स्ट 3 के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो ये हम लोगों ने काम किया था, यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैंने पेस्ट किया, ये चेंज हो चुका है। ये एक बॉर्डर लगाया हमने, यहाँ से बॉर्डर को रिमूव करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। तो मार्जिन भी जो है ना, उसको भी मैं कहता हूँ कि नहीं जी 0 पिक्सल। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इस तरह मेन्यू आ चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर काम करना है, तो मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। सबसे पहले ये मेन्यू के टैग के अंदर जाता हूँ, ये यूएल को यहाँ से लेके तो यहाँ तक मैं करता हूँ अपने पास कॉपी, और इधर ही नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ऊपर है, ये क्लास थी, इसको मैं कह देता हूँ एक आईडी। ठीक है, इसी तरह मैं इसके अंदर इसके आगे एक आईडी दूंगा एल आई की। ठीक, लेकिन इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमने किया कॉपी, 1 2 3 4 काफ़ी है इतना, बाकी नीचे वाले रिमूव कर देते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। और इसी तरह ये जो क्लास है इसको भी आके मैंने आईडी का नाम दे देना है। ठीक है, इधर भी इसको भी आईडी कर देना है। अब ये हो गया सेव, ये जो नीचे वाले इतने ज़्यादा बॉक्स हमने बना रखे हैं इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। ये 4 तक ही ठीक है। ठीक है, ऐसी इतनी जगह हमें क्या करना है। देखिए ये हो चुका है, अब मैंने इसकी भी आईडी, अब इसके अंदर मैं करता हूँ एक काम, हमने आईडी दे दी है। अब इधर आते हैं, इधर आके सेम ये काम करते हैं। जैसे मैं ये वाले को, पहले वाले को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको कहता हूँ आईडी। ठीक, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आके देखते हैं जी, ये देखिए ये मेन्यू आ चुका है, मेन्यू मेन्यू 1 मेन्यू 2 मेन्यू 3 मेन्यू। ठीक है, अब मैंने इसका बिल्कुल लिस्ट रन कर दिया, मार्जिन भी चेंज कर दिया, फिर इसके नीचे इसको जो एल आई है इसको भी यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं, सबको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बार बार ना लिखना पड़े, कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके कर देता हूँ पेस्ट, सिंपल। ठीक है, इसको भी मैं हैश दूंगा, सबको मैंने हैश देना, क्योंकि हमने एक आईडी लगाई है, पहले हमने क्लास लगाई थी और आईडी के लिए हमें हैश लगाना पड़ता है। ठीक, ये चीज़ें मैंने कर दी है मेंशन, यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बन चुके हैं, थोड़े से अटैच हैं, समझ नहीं आ रही, तो इनकी सेटिंग करता हूँ मैं। HTML टैग के अंदर आता हूँ, इस यूआरएल के बाद ER का एक टैग लगाता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, और इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल ये काम करता हूँ। रिफ्रेश किया, ये देखिए ये नीचे की तरफ है, ऊपर, और यहाँ पे हमने करनी है चेंज इसकी आईडी। यहाँ पे 2 2, ठीक है, यहाँ पे 3 3 कर देते हैं, इसको 4 4 कर देते हैं, इसको 5 5 कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे आता हूँ, इसको भी 1 2 3 4 5 चेंज करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ। अब इस वाले में अभी आके ये देखें, ये चीज़ें, ये बैकग्राउंड रेड है, ठीक है, ऊपर सिर्फ कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई वर्क नहीं हो रहा, हमने इतनी सारी कोडिंग की थी, इसका कलर भी चेंज ऊपर से नहीं हो रहा। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, अब ये देखिए जैसे ही रिफ्रेश किया इसका कलर ऑरेंज है, माउस आया तो ब्लू कलर हो गया। ठीक है, समझ आ रही है, कलर अभी ऑरेंज है तो जैसे ही माउस आएगा तो ब्लू हो जाएगा, बैकग्राउंड इसका ब्लैक है तो बैकग्राउंड इसका रेड हो जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये नेवी ब्लू हो जाएगा, छोड़ दिया तो वही कलर रह गया। ठीक है, अब ये देखें क्लिक करके छोड़ा तो येलो कलर आ गया, वो ग्रीन कलर आ गया। इसी तरह इसको मैं दबा के रखूंगा, नेवी ब्लू, छोड़ूंगा येलो ग्रीन कलर। अब जो नेवी ब्लू है ना उसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, ये जो डार्क ब्लू है ना इसको मैं कहता हूँ, जैसे इसको मैं दबाऊँ तो इसका जो कलर है ना वो पहले वो इसका कलर बिल्कुल ही क्या हो जाना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ठीक है, BLUE ब्लू, और ब्लू
ब्लू कलर के साथ साथ इसके अंदर और चीज़ें भी, मेन्यू एक्टिव है तो मेन्यू एक्टिव के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो विजिटेड में देखते हैं, विजिटेड में भी चेंज करते हैं। हॉवर जैसे माउस इसके ऊपर आए, हॉवर के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मेन्यू हॉवर है, मैं कहता हूँ मेन्यू हॉवर के ऊपर जैसे माउस है, सबसे पहले तो इसका जो टेक्स्ट है एलिजन, ठीक है, वो टेक्स्ट एलिजन, इसका टेक्स्ट एलिजन ही टेक्स्ट डेकोरेशन में इसको कहता हूँ, वो अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन भी अंडरलाइन कर दी मैंने, इसको बोला जो फॉन्ट फैमिली है ना वो इसकी एरियल हो। अब आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, ठीक, ये थोड़ा सा ब्लू कलर हो गया, ये देखिए। अब मैंने फॉन्ट फैमिली इसकी बोल दी है एरियल, और मैं कहता हूँ फॉन्ट जो वेट है ना वो भी 900 हो। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, ये देखिए, ठीक, इसके ऊपर माउस आया, कलर चेंज है, ठीक, इसका तो ब्लू ही है। अब मैंने इसको ये भी बोल दिया इसका फॉन्ट वेट, और इसका जो मैं कहता हूँ कि बॉर्डर रेडिएशन वो हमने 100% दे चुके हैं। और फिर टेक्स्ट लिंक के अंदर जाके देखते हैं अगर कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं तो कर लेते हैं, वरना वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए इसमें, अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो स्टूडेंट ये है कि चलिए इसको रिफ्रेश करता हूँ और आके इसको क्लिक करिए, ये देखें ब्लू कलर हो गया, छोड़ा तो ग्रीन हो गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, इसमें आके देखते हैं कुछ हमारा रहता तो नहीं है, क्लास है, आईडी है, LI है, UL है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि जो ये बैकग्राउंड ब्लैक है ना, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो, कौन सा कलर हो, मैं इसी को लीनियर ग्रेडियंट को कॉपी करता हूँ इधर से, यहाँ से लेकिन यहाँ तक, और ये बैकग्राउंड के कलर में आ जाते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, येलो लिखा है, मैं यहाँ पे इसको कौन सा कर लेता हूँ, डार्क रेड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ डार्क, ये कलर कर दिया, सेव करते हैं। अब आते हैं इधर, ये देखिए अब इसका कलर बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसमें कलर थोड़ा सा डार्क के बजाय वैसे ही रेड कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे आता हूँ इसको ना ये कर देता हूँ, ठीक। अब ये देखिए ये कलर यहाँ पे जो आए पिंक कलर है, पिंक कलर की बजाय मैं इसमें कौन सा कलर करता हूँ, बिल्कुल ब्लू नहीं करते, पर्पल कलर कर लेते हैं, ठीक। इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखिए ये तीन शेड बन चुके हैं, माउस आया, बैकग्राउंड रेड है, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड जो इसका रेड है वो भी चेंज हो, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बैकग्राउंड को मैं सेव करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ जैसे इसके ऊपर माउस आए तो रेड कलर ना हो, बल्कि क्या हो, मैं कहता हूँ इसके ऊपर जैसे माउस आए तो रेड हो, ब्लैक हो और येलो हो, ये जी ये मैंने अब कलर बोल दिया। अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए माउस आया, बैकग्राउंड कलर चेंज, इस पर माउस आया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज, इस पर माउस आया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज 141, ये देखिए। अब इस तरह हम इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं इजीली, क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये कलर मैं चाहता हूँ ये भी चेंज हो, जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन से कोई और कलर भी हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजिंग हो तो कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। कल को मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर के साथ, आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।